सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम, हमने आपसे कल प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपको आपकी क्लास 12th की इंग्लिश को स्टार्ट कराएंगे, और इसमें हमने पहले आपको सिलेबस डिस्कस करा दिया था। इसके बाद आज आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आज आपका टॉपिक लेंगे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, पहला टॉपिक है, ठीक है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और आपको ये क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे हमसे, और हम आपके आगे आपकी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक आप कम लोग आते हो तो हमें भी आपका मतलब जो कंटिन्यूस करने में आपको हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ना है, ठीक है। जो क्लास 12th के लोग हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर 1 लिख लीजिए, रूल नंबर 1, ठीक है। यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक है, वो किसमें होगी, वो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस, ऐसे लिखिए, का सेंटेंस प्रेजेंट कॉमा फ्यूचर टेंस का होगा, तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब में कोई अंतर नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या हम उसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी बताता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ये एक लाइन खींची हुई है और एक ये लाइन खींची हुई है, ठीक है। यहाँ पे होता है रिपोर्टिंग वर्ब, आर हमने रिपोर्टिंग और वर्ब बी से ले लिया, ठीक है, और यहाँ होता है रिपोर्टिंग स्पीच, आर से रिपोर्टिंग, एस से स्पीच, ठीक है, और इधर कोमा लगा होता है, इन्वर्टेड कोमा, और इधर इन्वर्टेड कोमा बंद होता है, ठीक है। इस तरह सेंटेंस लिखा होता है। अगर ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसकी जो वर्ब है वो प्रेजेंट की या फ्यूचर की है, तो वो इसकी वर्ब में कोई अंतर नहीं होगा, जो इसके कोष्ठक के अंदर लिखी होगी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, क्या नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। अब नंबर रूल नंबर 2 लिखिए, रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वाक्य है, इसका जो वाक्य इसके अंदर बना हुआ है, वो अगर सदा सत्य रहने वाला है, या हैबिचुअल है, जिसे उसकी हैबिचुअल का मतलब आदत पड़ जाना, ठीक है, आदत है, तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा, या कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें अगर ये जो है, ये सदा सत्य रहने वाला क्या होता है, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, तो सूर्य पूरब में ही निकलेगा, पश्चिम में तो निकलेगा नहीं, ठीक है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर ही लगाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमेशा सदा सत्य रहेगा। हैबिचुअल क्या होता है, जैसे आपको ये कह दो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी है, ठीक है, या कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंका करते हैं, ठीक है, तो ये जो क्या है, कुछ हैबिचुअल चीजें होती हैं, वो सेंटेंस आएगा तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 3 लिखिए, रूल नंबर 3 में आपका है SON, ठीक है, SON में क्या है, ये है सब्जेक्ट आपका, ठीक है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये आपका है नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, अगर इसका जो है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है इसका रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन या जेंडर,
या जेंडर प्रोनाउन या जेंडर फर्स्ट पर्सन का होगा, फर्स्ट पर्सन का होगा, पर्सन का होगा, किसका होगा? फर्स्ट पर्सन का होगा। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? तो आई और बी। आई और बी किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगर ये फर्स्ट पर्सन का है तो हमें क्या करना है? हमें इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो सब्जेक्ट आई बी का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार अनुसार बदलाव होगा या चेंज होगा, ठीक है? सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा? बदलाव होगा। अब देखिए कैसे, यहां पे अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आई कॉमा बी अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आई हुई है तो हमेशा ये जो चेंज होंगे वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, ये इसका मीनिंग है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन ठीक है या जेंडर प्रोनाउन या जेंडर सेकंड पर्सन का होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेंगे ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेंगे। कैसे? इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें केवल एक यू होता है, ठीक है? तो यू होता है, जैसे यहाँ पे यू आ गया, ठीक है, यू आ गया तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे ये लिख गया यू, ठीक है, तो यू हमेशा यहाँ जो ऑब्जेक्ट में बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई चीज, जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है मी, तो इसके अनुसार चेंज होगा, ठीक है, हमेशा। उसके बाद नो चेंज, तो एन का मतलब है नो चेंज। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन या जेंडर थर्ड पर्सन का है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब कौन कौन से आते थर्ड पर्सन में? तो ही, सी, इट, दे, या किसी का नेम, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो ये एक भी चीज अगर यहाँ पे होगी तो वो चेंज नहीं होगी किसी के भी अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से ये आप अपने लिख लीजिए सभी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए, एक बार मैं और समझा देता हूँ, तब तक आप लिखिए इनको सबको, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होगा, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है वाली, अगर इसमें जो वर्ब आपकी दी हुई है वो प्रेजेंट या फ्यूचर की है तो क्या होगा? उसके जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, तो यानी ये वाला पोर्शन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम वैसा ही रख दी जाएगी उसकी जो वर्ब है, ठीक है। वर्ब में कोई अंतर नहीं करेगा, जैसे इज लगी है तो इजी रहेगी, ठीक है, ऐसे आपको आर लगी तो आर ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि चेहर को वो आपकी बाद में चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य जो इसमें अंदर है वह सदा सत्य रहने वाला है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, या हैबिचुअल है, तो हम उसमें क्या करेंगे? उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, सेम टू सेम वही लिखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 आता है, तो एस ओ एन रूल कहते हैं इसे, एस ओ एन रूल कहते हैं इसे, ठीक है। अब देख लीजिए, यदि रिपोर्ट सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट मतलब है इसका, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन या जेंडर जो होगा अगर वो फर्स्ट पर्सन का है तो वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन कौन आते हैं? आई और बी, ऐसा होता है आई और बी हमेशा इसके अनुसार चेंज होंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे ऑब्जेक्ट क्या है? यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन या जेंडर सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन में आता है यू,
तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यहाँ पे यू है तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एन फॉर नो चेंज। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन या जेंडर थर्ड पर्सन का है तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करते। देखिए ही सी इट दे नेम, या यहाँ पे किसी का नाम आया तो वो नेम ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करोगे। ही है तो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो दे रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपने जो जान लिया हो, काफी देर हो गई, ठीक है। तो चलिए हम इन्हें अब साफ कर देते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट रूल दिखाते हैं। तो चलिए इन्हें हमने साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इन रूलों को आपको याद करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इनको याद करना है। आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये आपके जो रूल है आपके आपके जब एग्जाम आप आएगा तो आप उन्हें अच्छी तरह से एग्जाम में देने के काम में ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि तब आपको इतना टाइम नहीं होता है जो आप इन्हें पैसे वीडियो को खोल के देखो, ठीक है। तो आप तब वहाँ पे अपने नोट्स खोल के आप अपना रिवाइज कर सकते हो। पहली बात तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ही, ठीक है। तो आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए हम आप नेक्स्ट रूल लिखेंगे और नेक्स्ट रूल में आपको समझाएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हमने ये तीनों रूल कर लिए, उसके बाद हम आपको टेंस चेंज करना सिखाएंगे। क्या टेंस? तो इंटरचेंज, इंटरचेंज, चेंज ऑफ टेंस, टेंस कैसे चेंज होंगे, ठीक है। तो देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट जो आपका चेंज होगा वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, इसमें पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट इसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट एंड डेफिनेट, ठीक है, तो टेंस होगा वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इसमें हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में टेंस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपको पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद आपका अगर कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज हो जाएगा, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपके टेंस चेंज हो गए। अगर आपको दिया हुआ है बिल, ठीक है, तो आप इसे वुड में चेंज कर देना, ठीक है, सेल दिया है तो आप इसे शुड में चेंज करना, ठीक है, और आपको कैन दिया है तो आप इसे कुड में चेंज करना, कुड, माइट दिया, मे दिया है मे, तो इसे आप माइट में चेंज करना,
ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कोड दिया है तो ये सीधा कोड ही रहेगा, ये किसी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कोड दे दिया, सोड दे दिया, कोड दे दिया, मार दे दिया, कोड दे दिया, तो सब जैसे ही होंगे, ये किसी में चेंज नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें चेंज करना सेंटेंस को सीख सकते हो, और ये जो आपके हैं वो हमने आपको बता दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे नोट डाउन आप कर लीजिए इसे। तो इसके बाद हम नियरेस्ट और फारेस्ट वर्ड आपको बताएंगे। तो नियर में कुछ वर्ड होते हैं नियर और ये फार, ठीक है। तो ये टेंथ में चेंज करने पड़ते हैं। निकटता सूचक वर्ड जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं निकटता सूचक वर्ड, तो इन्हें दूर करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये नियर है, ये फार, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हियर, हियर से यहाँ, यहाँ आओ, प्लीज कम हियर, वहां जाओ, प्लीज गो देयर। तो हियर का क्या करेंगे, देयर, ठीक है, हियर का देयर। ऐसे मैंने लिखा नाव, तो नाव का क्या हो जाएगा, नाव इज अब विल बी से कम। ऐसे जस्ट होगा तो जस्ट का भी क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। ऐसे मैंने लिखा कम, ठीक है, तो कम का हो जाएगा गो, ठीक है। कम में से आना, गो में से जाना, दूर करना आपको, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे हियर, नाउ, जस्ट, कम, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा टुमोरो, टुमोरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टुमोरो को द नेक्स्ट डे, क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे। एगो अगर आएगा, एगो, तो इसे हम बिफोर में चेंज करेंगे, बिफोर, ठीक है, हो गया। इस तरह से और भी है इसमें, और भी मैं इसमें है आपके, ठीक है। जैसे हेंस आएगा तो आप हेंस में यूज कर दीजिए इसे, हेंस, इसे देंस में, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा, देंस, देंस में हो जाएगा। उसके बाद आपका जैसे टू नाइट आ जाए, टू नाइट, इस रात, टू नाइट, टू नाइट आ जाए तो इसे आप करेंगे दैट नाइट, इस रात, उस रात, इस रात की बात करें, उस रात की बात थी, तो उसे क्या करेंगे, दैट नाइट, इसे करेंगे टू नाइट, ठीक है। आप इसे उतारिए सबको, ठीक है। और भी है इसमें, वो भी हम कर देते हैं। जैसे आपका आगे है, आगे आपका यस्टरडे है, लास्ट डे है, ठीक है। तो यस्टरडे जैसे आपका है, तो ये देखिए यहाँ से हम ऊपर कर देंगे, यस्टरडे अगर आ जाए, यस्टरडे, इसे हम क्या करेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस, प्रीवियस डे। और जैसे लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। और आपका जो नेक्स्ट डे आ जाए, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, तो इसे करेंगे हम द प्रीवियस, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, ठीक है, फॉलोइंग डे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें उतार लिए, उतार लीजिए हम सबको जल्दी से, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। आप इन्हें उतार लीजिए। इसके बाद आपका एक प्रोनाउन का चार्ट बनाऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो प्रोनाउन का चार्ट आपको उतारना है, ये आपके भी रूल चल रहे हैं, उसके बाद आपको सेंटेंस भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप इन सबको उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। और हम आपको एक बार समझा देते हैं फिर से, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिया हुआ है तो हम उसे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में टेंस का चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ऐसे ही द पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस का दिया है तो उसे हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। उसके बाद अगर आपका बिल दिया हुआ है तो उसे आप वुड में चेंज करना, सेल दिया है तो शुड में चेंज करना, कैन दिया है तो कुड में चेंज करना, मे दिया है तो माइट, अगर कुड है तो कुड ही रहे, अगर ये आ गए किसी सेंटेंस में लिखे तो आप ये यही रहेंगे, इनको मैं चेंज करने लगे। अब देखिए नियर और फार यानी निकटता सूचक वर्ड होते हैं, उन्हें हम दूर कर देते हैं। जैसे हियर मी से यहाँ, यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ से यह ले जाओ, ऐसे कुछ के बाद कहते हैं,
प्लीज कम हियर, ठीक है यहाँ आ जाओ मेरे पास, अब गए देयर वहां चले जा, वो देयर ऐसे नाम ही से, अब मुझे बहुत आराम है, ठीक है नाउ आई गेट रिलैक्स, मैंने अब आराम ले लिया, आराम मुझे मिल गया, अब देन भी सब तब तो मतलब कब की, तब की बात है, तब की बात है, ठीक है तो हम उसमें तब यूज कर सकते हैं, कम भी से यहाँ, तो मतलब कम भी से क्या आ रहा आना, तो कम भी से आना, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ, ठीक है तो कम आ जाएगा उसमें, और गो देयर, प्लीज गो देयर वहां चले जाओ, ठीक है तो यहाँ पे गो का टुमारो का मतलब क्या है कि कल, और कल से भी आगे क्या है द नेक्स्ट डे, एगो एगो का बिफोर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, और टुनाइट का आपका देयर नाइट हो जाएगा, इस रात उस रात, ठीक है यस्टरडे मतलब पिछले जो दिन हमारा बीत गया चला गया यस्टरडे, और द प्रीवियस डे, ठीक है ऐसे लास्ट नाइट का तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा, नेक्स्ट डे का तो फॉलोइंग डे हो जाएगा, अब आपने गाड़ लिए होंगे, अब इन्हें हम साफ कर देते हैं, ठीक है चलिए, और अब आपको चार्ट दिखाते हैं, प्रोनाउन का चार्ट आपको करना है तैयार, तो प्रोनाउन के चार्ट से आपको चेंज करना है टेंस वर्ब, ठीक है चलिए चलते हैं और प्रोनाउन के चार्ट को हम देखते हैं, आप इन सब रूलों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है सभी रूल आपको कैसे करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे तभी आप आगे इन्हें समझ सकते हो, क्योंकि जब तक आपको रूल नहीं आएंगे तो आपको सेंटेंस भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है चलिए हम करते हैं इनको, अब देखिए यहाँ पे हम चार्ट ऑफ प्रोनाउन, चार्ट ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का चार्ट बनाएंगे, ठीक है देखिए यहाँ पे डाल दिए पर्सन, कौन से पर्सन का, ठीक है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉसेसिव, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस यहाँ पे आपका आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है तो इनकी हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन, ठीक है फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, देखिए अब इसे हम ऐसे चार्ट को बना लेते हैं, ठीक है ठीक है मैंने ये बना दिया चार्ट, ठीक है आप भी ऐसे चार्ट बना लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे कि आपको ये मालूम पड़ पाए, ठीक है देखिए चार्ट बना लिया हमने, फर्स्ट पर्सन की बात की तो फर्स्ट पर्सन में एक हमारा आई आता है और एक हमारा बी आता है, ठीक है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आई का मी, ठीक है ऐसे वी का क्या होगा, तो अस होगा ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस की बात की जाए तो आई का माई, ठीक है और अस का आपका इसका हो जाएगा पॉसेसिव का बी का, तो बी आपका पॉसेसिव हो जाएगा बी अस, ठीक है तो बी का हो जाएगा आपका आर, बी का हो जाएगा आपका आर, उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव अगर इसकी बात किया तो ये हो जाएगा माई सेल्फ, माई सेल्फ और ये हो जाएगा आर सेल्फ, ठीक है आर सेल्फ, तो ये तो आपके हो गए फर्स्ट प्रोग्राम के हो गए, ठीक है इसके हो गए फर्स्ट के हो गए, उसके बाद आपका आएगा सेकंड, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा हो जाएगा यू, ओनली यू होता है सेकंड, तो यू का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा और यहाँ पे जो होगा आपका पॉसेसिव योर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ, ठीक है तो ये हो गया सेकंड पर्सन, अब आपका आएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आ जाते हैं देखिए, पहले ही दूसरा सी, इट, दे, ठीक है तो ही का क्या हो जाएगा, तो ही का हो जाएगा हिम, ठीक है और यहाँ पॉसेसिव हो जाएगा हिज और ये जो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा वो हो जाएगा हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है इस तरह से ही हुआ, ही के बाद आपका आ गया हर, ठीक है ही के बाद आ गया सी, सी का हम देखेंगे, सी का देखिए तो सी का हो जाएगा हर, ठीक
ठीक है, हर के बाद इधर भी हर रहेगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा हर सेल, हर सेल। उसके बाद आपका आ जाएगा इट, तो इट का भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट का इट ही रहेगा, ये इट्स हो जाएगा और ये इट सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ। अब दे का, तो दे का हो जाएगा यहाँ पे देन, यहाँ हो जाएगा देयर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। इस तरह से ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है। तो इस चार्ट को आप नोट डाउन करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, ठीक है। अब तब तक इसमें स्याही डाल लेते हैं थोड़ी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इस चार्ट को आपको याद भी करना है, ठीक है, तभी आप अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है, इसे आपको याद भी करना है। चलिए चलते हैं, अब हम इसे मिटा देते हैं, जल्दी कर लीजिए। ठीक है, चलिए उतार लिया होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, पॉज कर लीजिए, अच्छी बात रहेगी, हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं आपके लिए देना पड़ेगा, ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को और चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे आपको क्या क्या चेंज करना है, किस में चेंज करना है, बर्फ से कौन कौन सी आपको चेंज करनी है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप नोट डाउन करिए जल्दी से, इसे हो गया होगा नोट डाउन, चलिए हम इसे साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब आपको किस में एसर्टिव सेंटेंस आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस की आपको कैसे बनानी है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कैसे चेंज करना है, जैसे से, सेज, ठीक है, से और ये भाई बना लो, सेज, से टू, सेज टू, ठीक है, आपका सैड, सैड टू, ठीक है, कैसे चेंज होंगे देखिए। तो इसे चेंज करेंगे किसमें, ये किसी में ये नहीं आएगा, सही रहेगा, ये सेज ही रहेगा, ठीक है। ये जो से टू है उसे करेंगे हम टेल, और सेज टू करेंगे टेल से, और आपका सैड का करेंगे, सेट किस में करेंगे, तो सेट सेट में रहेगा, और आपका सेट टू हो जाएगा, इसे कोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये लिख लीजिए आप, इसमें चेंज करेंगे। अब इनका, इनको लिखने के बाद आपको दो दो सेंटेंस में लिख देता हूँ, दो तीन, ठीक है, इसके बाद वीडियो को ख़त्म करूँगा। और मान लीजिए कहीं सर मैडम आता है तो वहाँ पे आप रिस्पेक्ट फुली लगाएंगे, ठीक है, पोलाइटली करेंगे यूज। चलिए तो इसमें हम सेंटेंस में आपको अप्लाई करके और दिखा देते हैं। तो अब हम लेंगे सेंटेंस, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस लेते हैं, इन्हें हम मिटा देते हैं, अब सेंटेंस को लेते हैं, और सेंटेंस दो सेंटेंस में करा रहा हूँ अभी, ठीक है, फिर अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी हो रहा है, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस हम लेंगे और यहाँ पे जो कंजक्शन का यूज करेंगे, कंजक्शन का यूज करेंगे वो हम करेंगे दैट का यूज, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। कंजक्शन किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, कंजक्शन दैट। यह सेंटेंस लिखा हुआ, आई सेड टू यू आई डू नॉट सिंग द सॉन्ग, क्या कहा, आई सेड टू यू कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई डू नॉट, मैं वैसे लिख देता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इसे क्वेश्चन करेंगे, तो सेट टू किस में कर देते हैं, ठीक है, तो आई टोल्ड, आई टोल्ड यू, ठीक है। अब यहां हमने दैट लगा दिया, अब ये आई किसके अनुसार चेंज होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आई कौन से पर्सन में आता है,
तो आई आता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन का हमेशा चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का आई रहेगा तो ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ भी सब्जेक्टिव केस ही लगाना आपको। तो डू का डू नॉट का कहाँ चेंज रहेगा, डिड नॉट के, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट चेंज हो जाएगा, सिंग ठीक है, ये तरह सेंटेंस हो गया। तो देखिए आप पहले, अभी आपको मजाक नहीं आएगा, आप पहले इनके रूल याद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, लिख के आप सभी रूल याद कर लीजिए, ठीक है। एक सेंटेंस और ले लेता हूँ, क्योंकि आपको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी आपने रूल लिखे नहीं, तो यहाँ पे चलिए मैं एक सेंटेंस और करा देता हूँ। ई सेड टू मी, देख लीजिए, ई सेड टू मी, टू मी निकलना है, पूर्व में निकलता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ही, तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड ऑफ मी दैट, ठीक है, ही और सेड टू किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, और दैट मैंने कंजक्शन लगा दिया। अब क्या सेम टू सेम उतार दो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ऐसे आप चेंज करेंगे। तो आप पहले पहले रूल सब याद कर लीजिए, उसके बाद मैं कराऊंगा, क्योंकि आप जब तक रूल याद नहीं करेंगे तब तक आपको इस समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो रूल याद करके फिर अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जितने लोग ज़्यादा जुड़ोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आपको वीडियोस दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।